इंदौर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस चौकन्नी रहती है, बावजूद इसके बदमाश खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते हैं। इसी दौरान गांधीनगर पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर में अपराध पर शिकंजा कसने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग और गुंडा पकड़ो अभियान चला रही है। पुलिस गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई भी कर रही है। इसके बाद भी इंदौर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अपराधी खुलेआम हथियार लेकर वारदात को अंजाम देते रहते हैं। चेकिंग के दौरान गांधीनगर पुलिस ने देर रात एक युवक को देसी पिस्टल के साथ पकड़ा है। पुलिस ने गोमटगिरी के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल गोमटगिरी चौराहे पर मैं स्वयं तथा हमारे स्टाफ के इंस्पेक्टर पाराशर एवं विजय दिनेश एवं सत्यन वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता दिखा। वहाँ लेकर जिससे कि घेराबंदी करके कुछ रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस को देख के भागने लगा। तो आरक्षक विजय ने करीब आधा किलो एक किलोमीटर दूर लगा उसको पकड़ा। उसने अपने जेब में से निकाल के कुछ सामान फेंक दिया था। जब उससे सख्ती से पूछताछ करी उसने बताया कि भैया 9 mm की देसी पिस्टल थी जो उसने वहाँ फेंकी है। सर्चिंग की गई तो मौके पे बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने उसका कोई लाइसेंस होने नहीं बताया तो 25 ऑब्जेक्ट का जो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को आज जेल पेश किया। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह देसी पिस्टल कहां से लेकर आया था और किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।